So let's start with आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स। बेसिक इन्फो से हम लोग देखेंगे, पहले सबका बेसिक्स देख लेंगे एक बार। सो डायग्राम से एक बार समझ लेते हैं। सो दिस इज अ टाइप ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर। सेल सरफेस रिसेप्टर है, इसके पास ये हो गया इसका एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, ये हो गया ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, और ये हो गया इंट्रा सेलुलर डोमेन। तीनों डोमेन है, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन के थ्रू कोई सिग्नल, कोई लिगेंड रिसीव करेगा। जैसे ही ये सिग्नल रिसीव किया, इस रिसेप्टर में कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे जिसके कारण इसका शेप चेंज हो जाएगा। अब ड्यू टू द चेंज इन इट्स शेप, ये चैनल ओपन हो जाएगा। जैसे चैनल ओपन हो जाएगा, कुछ स्पेसिफिक आयन्स जो नॉर्मल कंडीशन में सेल के आर पार ट्रांसफर नहीं हो सकते थे, अब वो इजीली इस चैनल के थ्रू पास ऑन हो जाएंगे, ठीक है। बेसिक इसका यही है। सो लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स आर अ ग्रुप ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन सेल सरफेस रिसेप्टर्स दैट अपॉन बाइंडिंग अ लिगेंड चेंज शेप। शेप चेंज होता है इसमें, कन्फर्मेशनल चेंज होता है, सच दैट अ चैनल इज फॉर्म्ड अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस तरीके से चेंज होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एक चैनल फॉर्म हो जाएगा। अब उस चैनल के थ्रू ही ये आयन्स पास होंगे, ठीक है। अलाउइंग द स्पेसिफिक आयन्स सच एज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ये सारे आयन्स को विल पास थ्रू द मेम्ब्रेन इन रेस्पॉन्स टू बाइंडिंग ऑफ अ केमिकल मैसेंजर, जो कि बेसिकली लिगेंड होते हैं, सच एज न्यूरो ट्रांसमीटर। इस केस में जो लिगेंड होते हैं या जो सिग्नल होता है, वो कोई भी न्यूरो ट्रांसमीटर हो सकता है। उसके बाइंडिंग के कारण ये रिसेप्टर में कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे, उसके शेप में कुछ चेंज होगा। एज अ रिजल्ट वहाँ पे एक चैनल फॉर्म होगा। अब उस चैनल के थ्रू जितने सारे भी स्पेसिफिक आयन्स होंगे वो इजीली पास हो जाएंगे सेल के अंदर या सेल के अंदर से बाहर की तरफ, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज आयन चैनल्स आर चैनल प्रोटीन्स एम्बेडेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तो पता ही है, एम्बेडेड होगा क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर पढ़ रहे हैं। सेल सरफेस में ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स रहते हैं जो कि मेम्ब्रेन में एम्बेडेड ही रहेंगे, ठीक है। नाउ दीज आयन चैनल्स फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ आयन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय एक्टिंग एज अ गेटेड चैनल दैट ओपन एंड क्लोज इन रिस्पॉन्स टू सर्टन स्टिम्यूली और लिगेंड और सिग्नल। दीज स्टिम्यूली आर टिपिकली केमिकल और इलेक्ट्रिकल इन नेचर। केमिकल भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रिकल भी हो सकते हैं, जितने सारे लिगेंड्स इसमें काम करेंगे, ठीक है। सो आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर का बेसिक हमने देख लिया। अब सेकेंड टाइप क्या होता, क्या था, GPCR। लेट्स सी GPCR, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। अब इसके नाम से क्या समझ आ रहा है, नाम में है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, मींस कि कोई एक रिसेप्टर है जो कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन के साथ कपल्ड होके काम कर रहा है। मतलब इस केस में जो हमारा सेल सरफेस रिसेप्टर है वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन जिसे हम जी प्रोटीन कहते हैं, उस प्रोटीन के साथ कंबाइंडली काम करेगा, कपल्ड होके काम करेगा। अभी तक इसके पहले हम लोगों ने सिर्फ रिसेप्टर के बारे में देखा, बट ये एक स्पेशल केस है जिसमें रिसेप्टर एक स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ कंबाइंड होके फिर काम करता है। डायग्राम में देख लेते हैं, पर डायग्राम से ज़्यादा क्लियर होता है समझना। सो हियर फर्स्ट स्टेप में लिखे, फर्स्ट में ये ऑरेंज पोर्शन हो गया हमारा रिसेप्टर, जो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दिखाया गया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर है ये, ठीक है। अब इसमें ये हम अगर काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये 7 बार मेम्ब्रेन को क्रॉस किया हुआ है, इसलिए हम इसको 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं। रिसेप्टर है, रिसेप्टर आर टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। तो ये एक प्रोटीन है जो कि मेम्ब्रेन को
सात बार क्रॉस किया हुआ है, इसलिए हम इसको सेवन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। अब ये हो गया हमारा रिसेप्टर, अब ये काम करता है किसके साथ, स्पेशल प्रोटीन जिसे हम जी प्रोटीन कहते हैं, ये हो गया जी प्रोटीन। अब ये जी प्रोटीन डायग्राम से समझ में आ रहा है कि इसके पास तीन सब यूनिट दिख रहे हैं, एक ग्रीन कलर में, एक ब्लू में और एक येलो कलर में। जो जी प्रोटीन है वो इसमें हम लोग डायग्राम से क्लियरली समझ सकते हैं कि इसके पास तीन टाइप के सब यूनिट हैं। पहला सब यूनिट हो गया अल्फा, सेकेंड इज बीटा, थर्ड इज गामा। अब तीनों अलग अलग डिफरेंट टाइप के सब यूनिट हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं हेटरोट्राइमेरिक प्रोटीन। जी प्रोटीन क्या है, हेटरोट्राइमेरिक प्रोटीन। अब क्योंकि इस केस में ये रिसेप्टर इस जी प्रोटीन के साथ कंबाइंड होके फिर बाकी अपना काम परफॉर्म करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, अकेले काम नहीं कर सकता, इसको जी प्रोटीन का हेल्प चाहिए। इसका वर्किंग कैसा होता है, अब ये फर्स्ट स्टेप में जो था ये इनएक्टिव फेज है इसका। अब इसमें एक और चीज आता है, जीडीपी और जीटीपी का रोल। जीडीपी कब काम करता है, जीडीपी जब ये रिसेप्टर ऑफ स्टेट में है, कोई काम नहीं कर रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई लिगेंड नहीं है, अभी सारा कुछ ऑफ है, तो उस कंडीशन में जी प्रोटीन जीडीपी के साथ बाउंड रहेगा। जीडीपी है मींस इट इज इन ऑफ स्टेट। अगर एक्टिवेट हो गया, अब इसको फंक्शन परफॉर्म करना है तो इसको एक्टिवेट करना होगा, तो उस केस में ये जी प्रोटीन जीडीपी जीटीपी के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, अब क्योंकि ये पूरा जो रिसेप्टर है ऑन एंड ऑफ स्टेट में चेंज होता रहता है, स्विच करता रहता है, इसलिए हम जीपीसीआर को मॉलिक्यूलर स्विच भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा इसके बारे में, जीपीसीआर में जो रिसेप्टर होता है वो ट्रांसमेम्ब्रेन होता है, कितना ट्रांसमेम्ब्रेन, सेवन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, वो किसके साथ कंबाइन होके या कपल्ड होके काम करता है, वो जी प्रोटीन के साथ काम करता है। अब जी प्रोटीन किस टाइप का प्रोटीन है, वो है हेटरोट्राइमेरिक प्रोटीन, जिसके पास तीन सब यूनिट होते हैं, डिफरेंट सब यूनिट, फर्स्ट हो गया अल्फा सब यूनिट, सेकेंड इज बीटा सब यूनिट, थर्ड इज गामा सब यूनिट। अब इन तीनों सब यूनिट में से जो मेन फंक्शन होता है वो हो जाता है अल्फा सब यूनिट का। अब अल्फा सब यूनिट के साथ अगर जी डी पी बाइंड है तो हो गया वो ऑफ स्टेट, अगर जी टी पी बाइंड है तो वो हो गया ऑन स्टेट। अब इसको ऑन एंड ऑफ करवाने के लिए भी दो अलग अलग फैक्टर्स आते हैं। जब ये ऑफ स्टेट में है, जी डी पी के साथ बाइंड है, बाइंड होके है तो ऑफ स्टेट में है, उसको हमें परफॉर्म करवाने के लिए ऑन करना पड़ेगा, तो ऑन करने के लिए जो फैक्टर आता है उसे कहते हैं हम जी ई एफ। ये एक एक्सचेंज फैक्टर है जो क्या करता है, एक्सचेंज करवाता है जी डी पी को जी टी पी से, जी डी पी को हटा देगा और जी टी पी से उसको रिप्लेस कर देगा, ताकि अब ये पूरा सिस्टम ऑन हो जाए, ऑन होकर अपना ये सिग्नल ट्रांसमिट करे, रिस्पॉन्स जनरेट करे, जो भी उसका फंक्शन है वो परफॉर्म करे। अब जब सारा कुछ फंक्शन परफॉर्म हो गया, हर वक्त कंटिन्यूस तो ऑन नहीं होगा कॉन्स्टेंटली, कभी तो फंक्शन के बाद उसको ऑफ तो करना होगा। अब ऑफ करने के लिए दूसरा फैक्टर आता है गैप। इसका काम क्या है, ये हाइड्रोलाइसिस करवाता है, किसका, जीटीपी का। जीटीपी का हाइड्रोलाइसिस करके एक फॉस्फेट निकाल देगा, अब उसको कन्वर्ट कर देगा जीडीपी में। अब जैसे ही जीडीपी आ गया, हो गया ऑफ स्टेट। ठीक है, इन पॉइंट्स में यही लिखा है, लेट्स सी। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉलिकुलर स्विच, दिस रिसेप्टर इज कपल्ड विद जी प्रोटीन, इट इज सेवन।